सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम विच गल करांगे करोना दे अंकड़ियां दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सलाह ने क्यों भारतीय जनता पार्टी नूं तड़फा के रख दिता है, किवें सरकारां ने पंजाब दे नागरिकां नूं घा खाण दे लई मजबूर कर दिता है, अते दिलजीत दोसांझ जैज़ी बी दे खिलाफ देश द्रोह दे परचे दर्ज क्यों हो सारा कुछ तुहानू दसदे आ। आप विधायकों पुलिस दे वल्लों अज गिरफ्तार क्यों कर लिया गया सारा कुछ तुहानू दसदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ करोना दे अंकड़ियां तो। दुनिया भर के अंकड़े सब तो पहला तुहानू दस दिंदे आ। पूरी दुनिया दे विच हुण तक 99,18,101 केस कन्फर्म हो चुके ने, जिन्हां विचों 44,08,110 ठीक भी हो चुके ने। मौतां दा अंकड़ा 4,66,548 तक पहुँच गया है। हुण आउने आ भारत दे वल। भारत दा अंकड़ा 1,25,000 टप गया है। 4,25,282 टोटल केस हुण तक कन्फर्म हो चुके ने, जिन्हां विचों 2,37,196 ठीक भी हो चुके ने। मौतां दा अंकड़ा 13,699 तक पहुँच गया है। पिछले 24 घंटियां की गल करिए 14,821 नवे केस सामने आए ने, अते पिछले 24 घंटियां दे विच सरकारी अंकड़ों के मुताबिक 445 मौतां भी हो चुकियां ने। हुण आउने आ करोना अंकड़ियां दे विच अपने सूबे पंजाब दे वल, जिथों का टोटल अंकड़ा जो है पहुँच चुकया है 4,235 तक। 2,825 ठीक हो चुके ने, 1,309 इस वेले आइसोलेशन रखे हुए ने, 21 इस वेले ऑक्सीजन की सपोर्ट पर ने, 5 नू वेंटीलेटर पर रखा होया है। मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस के करके 101 हो चुकिया ने। गल करिए पिछले 24 घंटे में आए नवे केसां दी, तां पंजाब दे विच 177 नवे केस पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके ने। ठीक होयां दी गल करिए 125 मरीज़ पिछले 24 घंटे दे विच ठीक हो चुके ने। 2 मौतां पिछले 24 घंटे में हो चुकियां ने, अते दोवें ही लुधियाना तो हुईयां ने। हुण जो तुसीं अपनी स्क्रीन ते लिस्ट देख रहे हो, ये जिलावार अंकड़ियां दी लिस्ट है, जिस दे विच जिलावार अंकड़े दसे गए ने कि किन्ने केस कन्फर्म होए ने अते इस वेले किन्ने एक्टिव ने। सारी जानकारी इस लिस्ट विच दित्ती गई है। 4,235 टोटल अंकड़ा है, 1,309 इस वेले एक्टिव ने, 2,825 ठीक हो चुके ने, 101 मौत पंजाब दे विच करोना वायरस के करके हो चुकी है। अगली खबर दे वल वधदे आ। भारत अते चीन दे विवाद नूं लै के भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजिहा बयान दे दिता जिस नूं लै के भारत दी पूरी दुनिया दे विच किरकिरी हो गई। दरअसल उन्होंने कह दिता कि चीन दा कोई भी सैनिक भारतीय सीमा विच एंटर नहीं किया है, कोई भी घुसपैठ चीन ने नहीं की है। फिर पूरे देश वल्लों इह सवाल पुछा जाण लगा कि जेकर चीन ने कोई भी घुसपैठ नहीं की तां साडे 20 जवान शहीद किवें हो गए। उस तों बाद भारत सरकार नूं कोई भी जवाब ना सुझा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस गल नूं चुकना शुरू कर दिता। चीनी मीडिया ने भी अपने हिसाब दे नाल ही नरेंद्र मोदी दे इस बयान नूं इस्तेमाल किया। अज भारत दे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक सलाह दित्ती गई है, एक लैटर लिख के सलाह दित्ती गई है, जिसका सीधा सीधा मतलब जो सलाह है तुहानूं पंजाबी दे विच सरल भाषा दे विच दसदे आ। उस सलाह का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का पद अहुदा बहुत वड्डा हुंदा है, उसके बहुत मायने हुंदे ने, अते एक एक शब्द की बहुत अहमियत हुंदी है। इस करके प्रधानमंत्री नूं सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कही एक गल का भी एक शब्द का भी अगलिया पीढ़ियां ते भी असर पैंदा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोच समझ के तोल के बोलन की सलाह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं, पर बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का धन्यवाद करने की बजाय उन्होंने मोड़वान जवाब दिता है। भाजपा के प्रधान JP नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं इस वेले अजिहियां गल्लां नहीं करनिया चाहीदियां, क्योंकि साडा कार्यकाल UPA दे नालों भाव कांग्रेस की सत्ता दे नालों बहुत वधिया है। उन्होंने तो यह भी कह दिता कि हुण इस वेले भारत के लोगों 130 करोड़ लोगों कांग्रेस से यकीन नहीं, जेकर किसी पर भरोसा है तो वह नरेंद्र मोदी से है। भारतीय जनता
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਫੌਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਐਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਸੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ 12-13 ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ 80-80 ਰੁਪਈਏ, 18 ਰੁਪਈਏ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 80 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 280% 70% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
क्यों लिखी गई है। शराब का महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल है, वह शराब के मंत्री ने, आबकारी विभाग के मंत्री ने। चिट्ठी दे विच सीधे तौर पर शमशेर सिंह दुल्लू ने यह मंग की है कि जो पंजाब दे विच शराब की तस्करी चल रही है उसकी किसी निरपक्ष एजेंसी तो जांच करवाई जानी चाहिए है, भाव CBI की जांच की मंग शमशेर सिंह दुल्लू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे महकमे दे लई कर दिती है। चिट्ठी दे विच सीधे तौर पर शमशेर सिंह दुल्लू ने यह भी मैनशन किया कि कुछ विधायक भावें वह कांग्रेस के होण भावें वह अकालिया के होण वह भी नशा तस्करां दे नाल शराब तस्करां दे नाल मिले हुए ने अते नाल पुलिस वाले भी मिले हुए ने। किवें अपनी ही सरकार नूं घेरा पाया पंजाब कांग्रेस के इस साबका प्रधान ने, उन्हां दा बयान तुहानूं सुणा दिंदे आ। कैप्टन साहब नूं यही बेनती करदा है कि जिहड़ी SIT तैं बणाई है, तुसीं बणाई है महाराज SIT, मैं तां हैरान हां अफसरां दी SIT बनती देखी है सरकारां दे विच, ये पॉलिटिशियनां दी SIT बनाती, उहदा इक मंत्री चेयरमैन लाता, हैरानी दी गल है। और जे वो चेयरमैन भी वो है जिहड़ा आप किसे टाइम शराब दा ठेकेदार है, की इंसाफ मिलेगा। ये लोगों के अख इनू पर्दा पाउण की कोशिश की जा रही है। जिन्नियां SIT अगे बनिया है, बेअदबी का मामला होर SIT कई बनिया ने, उहदे च निकलिया की है, कुछ नहीं होया। जिहड़े स्टेजां ते कहिंदे ते बेअदबी वालियां नूं असीं जेलां च तुन दांगे, किहड़ा तुनिया वी मैनूं दस दो, किन्ने क फड़े ने, कोई नहीं फड़िया। शमशेर सिंह दुल्लू दीआं इन्हां गल्लां तों इक गल बिल्कुल साफ हो जांदी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी कारगुजारी तों विरोधियां ने तां खुश की होणा है, अपने भी खुश दिखाई नहीं दिंदे। सीधे तौर पर कह दिता कि वादे असीं बड़े वड्डे वड्डे कीते सन, स्टेजां ते खलो के बड़कां बहुत मारियां सन, पर होया कुछ भी नहीं। सारे लोग तां इह गल कहणगे, पर जदों अपने भी लीडर इह गल्लां कहण लग पैण तां उसदा कोई ना कोई मतलब तां जरूर निकलदा है। असीं कल दे प्राइम टाइम विच तुहाडे तों ये सवाल पूछा सी कि कैप्टन दावा कर रहे हैं कि मैं पंजाब दे विचों नशे का लक तोड़ दिता है, असी कमेंट कर ली तुहानू कहा सी कि दसो नशे का लक टुट गया है, तुसीं भी कमेंटां दे विच यही कहा, ज़्यादातर लोगों ने कमेंटां च यही कहा कि नशे का लक तां की टुटना है, लोगों का लक टुट चुकया है अते नशे होर भी वध चुके ने। अते हुण कांग्रेस पार्टी के लीडर आप भी यह गल मनदे दिखाई देंदे ने कि कोई भी वादा कैप्टन सरकार ने पूरा नहीं किया, भावें वह बेअदबी का होवे भावें वह नशा तस्करी का होवे, कोई भी वादा कैप्टन सरकार दे वल्लों पूरा नहीं किया गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां जो कि कैप्टन सरकार दी नाकामी दे नाल ही जुड़ी हुई है। मनप्रीत सिंह बादल जदों बठिंडा तो इलैक्शन लड़ रहे सन 2017 दीआं विधानसभा चोणां दे विच, उदों वह बठिंडा दे थर्मल प्लांट दे कोल खड़ के एक जनसभा नूं उन्हां ने संबोधित कीता सी, अते उस दे विच उन्हां ने बठिंडा दे थर्मल प्लांट दी चिमनी वल नूं हथ करके ये गल कही सी कि हे लोको मेरे हिलदे हुए बुल्लां नूं देखो, मनप्रीत इस चिमनी दे विचों धुआं कढेगा जेकर तुसीं मैनूं जिताओगे। अते हुण चर्चावां चल रहीयां ने कि बठिंडा दे थर्मल ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ? LOP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਦਵਾ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸੁਣੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਧੂੰਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਿਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ।
उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिस दे विच उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के खिलाफ वो खुद देशद्रोह का परचा दर्ज करवाउणगे पर इन्हां पंजाबी गायकों के खिलाफ उन्होंने यूथ कांग्रेस के सारे अधिकारियों अहुदेदारां अते वर्करां नूं अपील की है कि आपो अपने नज़दीकी थाणियां दे विच जा के इन्हां दोहां गायकों के खिलाफ देशद्रोह के परचे दर्ज करवाओ। कीता की है इन्हां दोहां पंजाबी गायकों ने तुहानूं वो भी दस दें। जैजीबी की गल करिए एक निजी चैनल में इंटरव्यू दे रहे सन, उत्थे पूछा गया कि तुसी खालिस्तान चाहते हो, उन्होंने कह दिता हाँ सिखां दे कोल अपना देश चाहिदा है। सीधे तौर पर जैजीबी ने खालिस्तान की मंग कर दी। दिलजीत दोसांझ ने की किया है, जदों घल्लूघारे का हफ्ता चल रहा 1984 कांड ऑपरेशन ब्लू स्टार का हफ्ता चल रहा है तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिलजीत दोसांझ ने अपनी पंजाब 1984 फिल्म का रंगरूट गाना गा के पा दिता। उस तो बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ नूं मुआफ़ी मंगण लई कहा पर दिलजीत पिछे नहीं हटे अते कुछ दिन बाद उन्होंने अपने इसे गाने का ही यूट्यूब वीडियो का लिंक अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर दिता, जिस तों बाद रवनीत सिंह बिट्टू गुस्से विच आ गए ने अते इन्हां दोहां गायकों के खिलाफ उन्होंने यूथ कांग्रेस के 2008 तो लैके हुण तक 2020 तक जिन्हें भी अहुदेदार अते वर्कर ने सारियां नूं कह दिता है कि आपो अपने नज़दीकी थाणियां दे विच जाओ अते इन्हां दोवां गायकां दे खिलाफ देश द्रोह दे परचे दर्ज करवाओ, जथेदार नूं मैं आप ही देख लवांगा। अजिही भाषा रवनीत सिंह बिट्टू दे वल्लों अजकल वरती जा रही है जो भी खालिस्तान ते बोलण दी कोशिश करदा है। रवनीत सिंह बिट्टू दा कहना है कि इह खांदे पंजाब दा ने अते बाहर बह के गल्लां खालिस्तान दीआं करदे ने, देश नूं तोड़न दीआं करदे ने, पंजाब विच इन्हां नूं नहीं वड़न दित्ता जाएगा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक इह इक हिंदुस्तान दी गल नहीं करदे। जेकर इन्हां नूं खालिस्तान चाहीदा है तां अमरीका विच ही रहन जां फिर कनेडा विच बैठे रहन, भारत आउण दी कोई भी लोड़ नहीं। काफ़ी सख्त हुंदे रवनीत सिंह बिट्टू दिखाई देंदे ने। हुण आउण वाले दिनां दे विच इन्हां दोवां गायकां दे खिलाफ देश द्रोह दे परचे वख-वख जगह ते पंजाब दे विच दर्ज हो सकदे ने। जेकर हो गए तां कोई भी अतकथनी रवनीत सिंह बिट्टू दी नहीं होएगी क्योंकि उन्हां ने अपने वर्करां नूं हदायतां दित्तियां ने अते ओह MP ने, वर्कर उन्हां दीआं हदायतां दा पालन जरूर करनगे। जेकर अजिहा कुछ होया तां असीं तुहानूं उसदी जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल वधदे हां अगली खबर दे वल। केंद्र सरकार दे वल्लों किसानी सुधारां दे नां ते कुछ ऑर्डीनेंस जारी किए गए ने जिन्हां दा पूरे देश दे विच तां विरोध हो ही रहा है पर पंजाब दे विच पोलिटिकल पार्टियां ने अंदोलन विढ़ने शुरू कर दिते ने। सिमरजीत सिंह बैंस की पार्टी लोक इंसाफ पार्टी के वल्लों अज श्री हरिमंदर साहब तो जलियांवाले बाग तो एक साइकिल यात्रा शुरू की गई है जो कि 26 जून नूं चंडीगढ़ विखे खत्म होएगी। साइकलां ते चल के 5 दिनां दा सफर तय करके लोक इंसाफ पार्टी के ये लीडर चंडीगढ़ विखे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी ते पहुंचणगे अते अपना मंग पत्र केंद्र सरकार दे लई मुख्यमंत्री नूं सौंपणगे क्योंकि सिमरजीत सिंह बैंस का मानना है कि यह जो ऑर्डीनेंस पास किए गए ने वो किसानों तो उन्हां दीआं जमीनां खोण दे लई जारी किए गए ने। पहला MSP खत्म किया जाएगा, उस तो बाद इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगों वाले लोग आके किसानों दीआं जमीनां नूं हड़प लैणगे जो कि उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं। इस करके ही उन्होंने वालों पंजाब दे विच किसान बचाओ पंजाब बचाओ नां दी लहर शुरू की गई है जिस दे तहत उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू कर दिती है पर बख्शिया उन्होंने बादलों अते कैप्टन नूं भी नहीं। बादलों बारे बोलदिआं कहा कि अजिहा ऑर्डीनेंस जो कि किसानी दे खिलाफ है उस दे खिलाफ बादल परिवार क्यों नहीं बोलिया, उस ते मोहर क्यों लाई, क्यों पुछ के कारण भी आप ही दस दिता कि हरसिमरत कौर बादल की कुर्सी प्यारी है। इस करके ही उन्होंने पंजाब दे हित केंद्र सरकार दे अग्गे गिरवी रख दिते ने। कैप्टन नूं क्यों कोसिया, कहिंदे ने कि कैप्टन दे वल्लों ऐलान किया गया है कि पंजाब दे विच इन्हां ऑर्डीनेंसां दे खिलाफ जन अंदोलन छेड़िया जाएगा पर जन अंदोलन की लोड़ विरोधी पार्टियां नूं हुंदी है। कांग्रेस पार्टी दे कोल पंजाब दे विच मजोरिटी है, बहुमत है, एमरजेंसी सैशन विधानसभा का सद्या जाना चाहिए, उस दे विच सारे एक निंदा मता पाउणगे, उस नूं पास करके केंद्र सरकार नूं भेजा जाएगा तां जो पता लग सके कि पंजाब इन्हां ऑर्डीनेंसां दे खिलाफ है। इस तरह बैंस दा मानना है कि कैप्टन मोदी अते बादल आपस में मिले हुए ने, एक दूजे के खिलाफ जो माड़ी मोटी आवाज़ चुकते हैं वो सिर्फ पखंड ही करते हैं। इन्हों सब पता है कि किमें की हो सकता है, जान बुझ के ये नहीं करते। साइकिल यात्रा का मकसद पूछा गया कि की है तो कहते हैं कि लोगों को जागरूक करना ही इस साइकिल यात्रा का मकसद है, लोगों को पता लग सके कि कौन उन्होंने पक्ष में है कौन उन्होंने खिलाफ है।
अगली खबर दे वल वधदे आ जो कि हस्पतालां दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों चर्चावां चल रही ने कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट का ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, जिस दे तहत पंजाब दे सारे निजी हस्पतालां ते सरकार दा कंट्रोल हो जाएगा। पर इस नूं लैके हुण निजी हस्पतालां ने विरोध करना शुरू कर दिता है। 23 जून नूं हस्पतालां दे वल्लों हड़ताल का ऐलान कर दिता गया है, क्योंकि हस्पतालां दा कहना है कि यह जो एक्ट लागू करना है वह बिल्कुल सही नहीं, इस दे नाल एक तां इलाज महंगा हो जाएगा अते दूजा इंस्पैक्टरी राज लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकारी अफसरां दे अधीन ये हॉस्पिटल आ जाणगे अते इंस्पैक्टरी राज कदे भी ठीक नहीं हुंदा, ये सानू सब नूं ही पता है। अजिहा कहना है निजी हस्पतालां दा अते हड़ताल दा ऐलान हस्पतालां दे वल्लों कर दिता गया है। एमरजेंसी सेवावां भी 23 जून नूं पूरे पंजाब दे विच बंद रखण दा ऐलान इन्हां हस्पतालां दे वल्लों किया गया है। कहिंदे ने कि प्रकाश सिंह बादल ने भी अजिहा करन दी कोशिश कीती सी, पर असीं उन्हां नूं समझाया कि ये सही नहीं है अते उन्हां ने साडी गल मन लई सी, पर कैप्टन सरकार साड़ी गल मन की दिखाई नहीं दिंदी है, इस करके सानू हड़ताल करनी पै रही है। पर पंजाब सरकार का तर्क यह है कि इस वेले करोना चल रहा है, इस करके सारे हस्पतालों की पंजाब सरकार नू लोड़ है, इस करके ही CEA क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट जारी किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, ताजो पंजाब सरकार का कंट्रोल पंजाब के सारे हस्पतालों पर हो सके। पर निजी हस्पतालों के वालों इसका विरोध किया जा रहा है। ये सवाल हूँ असी थोड़े तो पंजाब टीवी के दर्शकों तो पंजाब के सूझवान लोगों तो पूछ लेना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि जो ये ऑर्डिनेंस एक्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब लागू करना चाहती है ये सही है कि जां फिर निजी हस्पताल सही ने जिहड़े कहिंदे ने कि ये लागू नहीं होना चाहिए। इस बारे तुहाडी जो भी राय है खुल के बेबाक हो के अपनी राय कमेंट करके जरूर दिओ। ये अज का पंजाबी प्राइम टाइम कुछ वो खबर जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।